नमस्कार। तो आज आप हिमा दर्वी स्पेशलिटी केमिकल्स यानी कि HSL स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। तो HSL लिमिटेड स्टॉक बुलिश नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब उन्होंने यहाँ पे लास्ट 4 to 5 ईयर्स का हाई भी ब्रेक किया था 196 टू लेवल पे, यहाँ पे आप देख सकते कि 200 लेवल के करीबन, तभी हमने बोला था कि एक हाई ब्रेक होता है तो और तेज़ी देखने को मिल सकती है। और तकरीबन 10 दिनों के अंदर स्टॉक 200 लेवल को ब्रेक करके 275 को टच किया था। तो अभी क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन में। तो सबसे पहले अपडेट की बात की जाए, रिसेंटली कोई खास अपडेट नहीं है। तो हम लोग फंडामेंटल भी उस दिन यहाँ पे देखे थे कि कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंटली करती क्या है, उसके ऊपर भी नज़र डाली जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते कि कार्बन कंपाउंड से यहाँ पे जो बनाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरव्यू में, हिमा दर्वी स्पेशलिटी केमिकल्स एंगेजेस इन द प्रोविजन ऑफ कार्बन प्रोडक्ट, इट ऑपरेट थ्रू द कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक EV सेक्टर में काम आता है वो उसका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आप देख सकते करती हुई नज़र आती है। द कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल फोकसेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, द पावर सेगमेंट इन्वॉल्व इन द जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके कारण यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन EV सेक्टर में आगे भी फ्यूचर में आने वाले समय में भी एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है इस स्टॉक के अंदर।